मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैंने बस अभी कुछ टाइम पहले ही चैनल बनाया है तो मेरे बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत क्या कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है अभी, तो प्लीज़ आप मेरे पहले सब्सक्राइबर बन जाइए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है वैंसी एंड आशु व्लॉग्स और मेरा नाम है वंदना। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि चैनल का नाम मैंने क्यों ऐसे रखा है वैंसी एंड आशु ब्लॉग्स। तो वैंसी मेरा घर का नाम है और आशु जो है वो मेरे हस्बैंड का निकनेम है, तो इसलिए मैंने चैनल का नाम ऐसे रखा है। तो अभी सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है और अभी 6:30 बज चुके हैं और अभी धूप भी तेज़ निकल गई है। आज सुबह 6:30 बजे ही सूरज भगवान जी मेहरबान हो गए, गुस्सा हो गए और धूप निकाल दी सुबह सुबह तेज़ वो भी। तो ये जो कपड़े रात में मैंने फैलाए थे ना, ये सूख गए थे, तो मैंने इसको उठा के बेड पे रख दिया है। इसको मैं बाद में फोल्ड करूँगी। और कपड़े ना मैं आजकल घर में रूम में जो स्टैंड है ना वहीं पे फैला देती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त आजकल बारिश आ जाती है तो फिर बाद में उठाना पड़ता है। तो फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में अदरक धोने के लिए। कल रात में ना कल शाम को अदरक लिया था तो ऐसे पन्नी में ऐसे ही रखा हुआ था, मुझे धोने का टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए अभी मैं उसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। अच्छा, अदरक को धोना ना ये बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि उसके अंदर अंदर ना जैसे अदरक की गांठें होती है ना, तो उसमें बहुत सारी मिट्टी फंसी रहती है, तो बहुत अच्छे से क्लीन को सफाई से बहुत ध्यान से धोना पड़ता है उसको। वैसे एक बार मैंने धो के मैंने रख दी है उसको, और लेकिन जब मैं चाय बनाऊँगी ना तो फिर से एक बार उसको मैं धो दूँगी। तो आज मुझे सफाई करनी है फ्रिज की सफाई में। बहुत दिन से मैं सोच रही थी इस काम को निपटा दूँ लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं ये काम सबसे पहले यही काम मैं करूँगी, क्योंकि किचन मेरा बर्तन वगैरह धुले हुए थे, किचन साफ़ था, किचन मेरे काम मैंने रात में ही कर लिया था ना, तो अभी उतना काम था नहीं मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फ्रिज धो देती हूँ। अच्छा, महीने में मतलब वैसे तो नहीं साफ़ करती हूँ मैं, जैसे महीने में एक बार ऐसी सफाई कर लो ना तो पूरा घर आपका साफ़ रहता है, चमकता हुआ रहता है और अच्छा भी लगता है अगर फ्रिज वगैरह साफ़ हो ना अंदर से पूरा। तो मैं उसको धोऊंगी नहीं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसको धोया था तो साफ़ था, बस मैं अच्छे साफ़ कपड़े से गीला करके और उसको अच्छे से पोंछ रही हूँ, जैसे दूध के दाग वगैरह कोई दाग वाग जो लगा रहता है ना वो साफ़ हो जाएगा। तो लेकिन जो वेजिटेबल बॉक्स है उसको मुझे वॉश करना पड़ेगा क्योंकि सब्जी वगैरह रखने से बार बार ना वो गंदा हो जाता है, तो मैंने उसको भी निकाल के बाहर रख दिया। और जो फ्रिज का जो शीशा है ना इसको मैं सब अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो मैंने कपड़ा गीला किया है, उसके बाद अच्छे से निचोड़ दिया है पानी और फिर उसको मैं साफ कर देती हूँ। तो मतलब महीने में मैं एक बार ऐसी सफाई कर लेती हूँ ताकि मतलब घर साफ ही रहे, फ्रिज हो चाहे अलमारी हो चाहे कोई भी चीज़ हो ना तो साफ ही रहे। तो महीने महीने में एक बार या 15-20 दिन में मतलब जैसे टाइम के हिसाब से ना ऐसे में सफाई भी कर लेती हूँ। तो फ्रिज में तो फ्रिज कितना यूज़ होता है ना, सुबह से शाम तक बेचारा फ्रिज का कितना काम रहता है, बहुत यूज़ होता है। तो फ्रिज की सफाई बीच बीच में, ऐसे मैं बीच बीच में मतलब क्लीन करती रहती हूँ, पोछती रहती हूँ, लेकिन इस तरह से ना कि सारा सामान निकाल के फिर उसको पोछना ये वैसे ज़्यादा नहीं हो पाता है, कभी कभी मतलब महीने में एक या दो बार ही हो पाता है। तो अभी मैंने आज नीचे वाले फ्रिज का जो दो पार्ट में फ्रिज है ना, तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसका मैंने सारा सामान निकाल के सफाई की है। ऊपर का जो सामान है मैंने वो नहीं निकाला है, बस मैंने उसको ऐसे ही बस पोंछ दिया है, जो ऊपर का छोटा वाला पार्ट है फ्रिज का तो उसको ऐसे रहने दिया है। तो अभी मेरी साफ सफाई हो गई है फ्रिज की, तो मैं जो सामान जो मैंने निकाला था वापस मैं इसी में लगा देती हूँ। और ये जो वेजिटेबल बॉक्स है ना इसको फिर मैं भी साफ करूँगी। तो सब्जी वगैरह मैं देख रही थी कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है, जिसमें कड़ी पत्ता कुछ रखा हुआ था ना तो वो बिल्कुल गल गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया। और फिर मैं बाकी कुछ ज़्यादा सब्जी था नहीं इसमें, दो तीन टमाटर थे, दो तीन नींबू थे और लहसुन था, तो बस इतनी ही सब्जियां हैं फिलहाल अभी घर में। तो अभी सब्जियां भी लानी है मुझे और मैं इसको अब अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और क्योंकि इसमें थोड़ा ना सब्जी रखो ना तो दाग वाग पड़ जाता है, तो उसको एक बार अच्छे से साबुन से तो इसको तो धोना ही पड़ेगा। बाकी फ्रिज को तो मैंने ऐसे ही पोंछ दिया था, लेकिन इसका तो बिना धोए काम नहीं चलेगा क्योंकि गंदा हो गया है।
तो अभी एक बार तो मैंने धो दिया ना, अब इसका नंबर 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद ही आएगा, तब तक साफ़ ही रहेगा, उतना गंदा नहीं रहेगा। बीच बीच में कपड़ा मारती रहती हूँ तो फिर साफ़ ही रहता है। तो अभी मैंने इसको अच्छे साबुन से पोंछ दिया है, और उसके बाद मैं मतलब साबुन से साफ़ धोने के बाद अब उसको मैं साफ़ कपड़े से मैंने पोंछ दिया है, ताकि जो दाग वाग जो भी अगर रह भी गया हो धोने के बाद भी, तो वो कपड़े से साफ़ हो जाए। तो मैंने पोंछ किया, अब मैं इसको जा रही हूँ वापस से उसमें लगाने के लिए। तो वो भी मैंने लगा दिया, और ये लहसुन जो 1 किलो से ज़्यादा लहसुन है, ये मेरे घर से आया हुआ था गांव से। तो मतलब अभी मैं इसको फ्रिज में रखी रहती हूँ ना, तो इससे लंबा चलता है। अगर मैं इसको फ्रिज के बाहर रख दूँ ना, तो लहसुन जल्दी सूख जाएगा। अगर ज़्यादा लहसुन है तो उसको फ्रिज के अंदर ही रखना चाहिए, तो वो सूखता नहीं है। अच्छा, ये वाला भी काम था, मुझे बहुत टाइम से करना था। ये सारे डब्बे वगैरह ना, इस वाले उसमें ना कैबिनेट में आटा चावल ये सब रखे रहते हैं, तो भी काफ़ी टाइम से इसको मैंने निकाल के साफ़ नहीं किया था। और ये वाला ना कैबिनेट गंदा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसके अंदर ना जाले वाले भी पड़ गए थे। जब मैं कल आटा निकाला ना, तो मैंने देखा कि इसमें ना जाले पड़ गए हैं, और फिर वहाँ पर मकड़ियाँ भी आ गई हैं, और एक दो कॉकरोच भी थे इसके अंदर। तो फिर वही मैं अच्छे से उसको सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया, और बिल्कुल झाड़ू से अच्छे से साफ उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो भी कीड़े वड़े हैं छोटे मोटे। आजकल ना मॉनसून के सीज़न में सफाई का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, किचन में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि खाने पीने की चीज़ रहती है ना, तो ढक के रखो चाहे कैसे भी रखो, तो वो उसके ना स्मेल से आ ही जाते हैं। और ये जो डब्बा है ना पीले रंग का, जिसका ढक्कन, इसमें थोड़ा सा ना चोकर रह गया था, तो उसमें घुन पड़ गया था। तो फिर वो डब्बा कोने में रखा हुआ था, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, और मैंने देखा आज कि उसमें घुन पड़ गया था, तो मैंने उसको पूरा अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया है, और वो खाली डब्बा ही मैंने ऐसे रख दिया। तो सारे डब्बों को मैं झाड़ के रख रही हूँ, बाकी 2 डब्बे खाली हैं बस। एक डब्बे में गेहूँ का आटा है, और 1 डब्बे में रागी का आटा है। तो बस ये 2 डब्बों में आटा है, तो बाकी सब सफाई का। और ये तो कुछ एक्स्ट्रा सामान है ना, जो कढ़ाई है, और 1-2 सामान और है जो कि मतलब बहुत ही कम यूज़ होता है, तो मैंने वो उसको भी इसी के अंदर रखा हुआ है। जैसे कि लोहे की कढ़ाई है, तो कभी कभी यूज़ भी करती हूँ मैं, तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ, तो उसको मैं बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि भारी कढ़ाई है वो। और ये देखिए, ये ना रागी का आटा है ना, इसमें भी 1-2 घुन पड़ना स्टार्ट हो गए हैं अभी। इस बारिश के मौसम में ना इस आटा चावल का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मैं इसको जा रही हूँ धूप में रखने के लिए, धूप में रख दूँगी। उसके बाद जब कीड़े वगैरह चल निकल जाएंगे इसमें, तो मैं इसको चलनी से ना चाल के फिर से मैं डब्बे में रखूँगी। नहीं तो अगर मैं चालूँगी नहीं ना, तो फिर पूरा आटा ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको धूप में रख दिया 2-3 घंटे तक, ये धूप में ही रहेगा। अगर स्मेल वगैरह भी होगी तो वो भी चली जाएगी। तो आज ये मैंने डब्बे वाला काम भी निपटा दिया। बहुत बहुत ही टाइम से मैं इसको मतलब साफ़ करने की सोच रही थी, लेकिन चलो आज ये काम भी निपट गया। मेरे तो बहुत आधी टेंशन मेरी ख़त्म हो गई, चलो ये काम कर दिया मैंने। तो बस अभी काम वो सब उधर का, तो डब्बे उब्बे का जो अंदर का काम था, जो 3 महीने से पेंडिंग था, वो तो हो गया मेरा। अब मैं आ गई फटाफट झाड़ू लगाने के लिए, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देते हैं पूरे घर में। अच्छा, अभी सुबह का वक्त है ना, अभी सुबह के बज गए हैं 7:15, 7:30 बज रहे थे, और फिर थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। और अभी हस्बैंड और मेरे जो दोनों डॉग्स हैं, वो दोनों सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं एक्चुअली। ये जो दरवाज़ा, इसलिए मैंने बंद भी कर दिया था, और मैं अपना इधर धीरे धीरे काम निपटा रही थी। तो इधर मैंने झाड़ू लगा दिया है, और देखिए कितना कूड़ा निकलता है। आधे कूड़े तो ना मेरे डॉग्स के जो बाल है ना, इतने बाल झड़ रहे हैं मानसून के सीजन में। खैर, बाल तो मेरे भी बहुत झड़ रहे हैं, तो वो तो डॉग है, उनकी तो पूरी बॉडी में बाल ही बाल होते हैं, तो उनका तो झड़ना ही है, तो उनके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो भी मैंने बस झाड़ू लगा दिया है, और झाड़ू लगाने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम लगता है ना घर को समेटने में। अगर घर सिमटा हुआ ना हो ना, तो सारा टाइम उसी पे लगता है। अभी देखिए डाइनिंग टेबल मेरा कैसे बिखरा पड़ा है, बिल्कुल टावल वगैरह कुछ कपड़े भी इधर कुर्सी भी रखे हुए हैं,
डस्टिंग वगैरह मैंने आज अच्छे से कर दी। आज मैंने पूरे घर की तो नहीं, टेबल और ड्रेसिंग टेबल जो है ना, ये कुर्सियाँ वगैरह, इसकी मैंने बहुत अच्छे से आज डस्टिंग कर दी। आज सफाई करके भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा, और मैंने पोछे में डाल लिया खूब सारा फिनाइल, क्योंकि मानसून के सीजन में ना फिनाइल डिटॉल थोड़ा सा ज़्यादा डाल के पोछे में मैं लगा देती हूँ। डिटॉल तो नहीं था तो मैंने फिनाइल ही थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि ना बड़ा अजीब सा, बहुत ही अनहाइजीनिक सा लगता है ये जो मानसून के सीजन में ना कीड़े आते हैं और चिप होता है, गर्मी होती है, बारिश होती है, अजीब सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि फिनाइल वगैरह डाल के बढ़िया से एकदम पोछा लगा दो ना, तो बिल्कुल सब साफ सुथरा दिखता है। तो फिर तभी अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो तभी अच्छा लगता है जब बिल्कुल फर्श वर्श चमकता हो ना, ऐसे लाइट मारता हो दूर से ही, तभी मुझे अच्छा लगता है। तभी मैं बिल्कुल सफाई तो मैं मेरी नहीं बचपन की आदत है, मैं बचपन से ही बहुत ही सफाई करती हूँ ना। कीड़ा है मेरे अंदर सफाई का, मेरे घर में सबसे ज़्यादा मैं ही सफाई करती हूँ। हम जितने भी भाई बहन हैं और सब में ना सबसे ज़्यादा मुझे ही सफाई का कीड़ा है। सब मुझे बोलते हैं कि तेरे अंदर बहुत सफाई का कीड़ा है। मैं क्या करूँ, मुझे ना नहीं पसंद है गंदगी, साफ़ सुथरा रहता तभी मुझे अच्छा लगता, नहीं तो मुझे मुझे ना बड़ी बेचैनी सी होने लग जाती है वैसे। तो अभी पोछा भी लगा लिया बातों बातों में, और फिर उस जब मैं अच्छा मैं जब सुबह उठती हूँ ना, मैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो किचन साफ कर लो, उसके बाद घर की साफ सफाई कर लो, मतलब झाड़ू पोछा क्लीनिंग डस्टिंग जो भी काम होता है पहले ये सब निपटा के फिर मुझे ना बड़ा इतना, मुझे मैं क्या बताऊँ, मुझे कितना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। लगता कि सब काम हो गया, मतलब खाना बना रहे ना रहे, लगता कि सारे ये सारे काम हो गए, लेकिन बस वही काम नहीं होता है ना, तो बड़ा अजीब बड़ी उलझन होती है मुझे। तो आप बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है, जब आप लोग सफाई कर लेते हो तो आपको कितना सुकून मिलता है, या फिर आप लोगों को सफाई नहीं पसंद है या पसंद है, मतलब पसंद तो सभी को होती है। तो अभी मैंने कपड़े भी सारे फोल्ड कर दिए हैं, और अभी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े उनके तह करके उनके अलमारी में लगा रही हूँ। अच्छा, उनके टी शर्ट घर की अलग है, बाहर की अलग रखती हूँ मैं, उनके जो अंडर गारमेंट्स है वो मैं अलग रखती हूँ। इतना कुछ अलग रखने के बाद भी अलमारी रोज़ ख़राब हो जाती है, रोज़, बल्कि सारे कपड़े का मैंने अलग अलग उनका बना रखा है कि यहाँ से घर वाले कपड़े निकाले, यहाँ से ये निकाले, जीन्स निकाले, चाहे लोअर निकाले, सबका अलग अलग है। लेकिन वो पता नहीं कैसे निकालते हैं ना, कि उस पूरे कपड़े की सब तह ख़राब हो जाती है। मुझे अपनी अलमारी उतनी नहीं ठीक करनी पड़ती है जितनी मुझे इनकी अलमारी ठीक करनी पड़ती है। आदमी लोग ना ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल भी बेपरवाह होते हैं, मतलब 90% तो मुझे लगता है ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो बस कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े थे, वो दाढ़ी के बाल देख रहे थे कि क्या कहाँ कहाँ सफ़ेद हो रखे हैं। उम्र हो गई है ना, अब क्या करें, दाढ़ी तो अब सफ़ेद होनी ही है। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, हाँ, नहाने के बाद इतना रिलीफ मिल रहा है ना आजकल, क्योंकि इतना पसीना हो जाता है काम करते करते, कि ऐसा लगता है कि काम करते करते ही पसीने से ही नहा लिया है। तो अभी मैं नहाने के बाद ना मैं लगाने जा रही हूँ फेस पैक, वो भी मुल्तानी मिट्टी का। मुझे ना मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक है ना, ये मानसून सीजन में सबसे बढ़िया और टॉप क्लास का लगता है, यही वाला 10-15 रुपए का मुल्तानी मिट्टी आता है। इसमें नींबू डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ, या फिर हनी डाल दो अपने हिसाब से डाल के उसमें मैं लगा। तो अभी मैंने फेस पैक भी लगा लिया है, काफ़ी दिन हो गए थे ना मैंने फेस पैक नहीं लगाया हुआ था कोई भी। तो मुझे ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक इस सीज़न के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, मानसून सीजन के लिए, क्योंकि मानसून में क्या होता है ना, बहुत ही चिपचिपा सा हो जाता है, बहुत पसीना होता है ना, तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है बहुत ही अच्छा फेस पैक होता है मानसून सीजन के लिए। तो बस अभी मैंने नहावा लिया, अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। आज बहुत सारे क्लीनिंग वगैरह कर दिया मैंने, तो अब मैं आराम से बैठ के चाय वाय पीऊँगी, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी अभी तक नहीं किया है तो। और मैंने बस अभी कुछ टाइम पहले ही चैनल बनाया है, तो मेरे बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत क्या कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है अभी, तो प्लीज़ आप मेरे पहले सब्सक्राइबर बन जाइए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप इस यहाँ अब इस मेरे मेरे वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो। थैंक यू।